नमस्कार, आज रविवार है और साहित्य तक के बुक कैफे में मैं आज के दिन बताता हूँ कि हमें किस प्रकाशक की पुस्तक मिली। यह साहित्य तक का पुस्तकें मिली कार्यक्रम है और इस सप्ताह सामयिक प्रकाशन ने जो पुस्तकें हमें भेजी उनमें स्त्री चिंतन, प्रमिला केपी की पुस्तक, चित्रा मुद्गल का बहुचर्चित औपन्यासिक आत्मकथ्य नकटौरा, पूनम मनु की पुस्तक द ब्लैंक पेपर, उर्मिला सिरीस का उपन्यास चांद गवाह है, माधव कौशिक की पुस्तक करवट वक्त बदलता है, राधा बल्लभ त्रिपाठी की पुस्तक भारतीय साहित्य शास्त्र की नई रूपरेखा, विवेक मिश्र की पुस्तक जन्म जन्मांतर और छबील कुमार मेहर की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी भाषा एवं साहित्य प्रतियोगी परीक्षाओं और UGC नेट के परीक्षार्थियों के लिए एक मानक ग्रंथ। ये पुस्तकें हमें मिली हैं। इन पुस्तकों को आप साहित्य तक के बुक कैफे कार्यक्रम में सुन सकते हो। इनमें से कुछ पुस्तकों की मैं चर्चा करूँगा, हो सकता है सभी पुस्तकों की चर्चा करूँ। हमारी कोशिश होती है कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, आप अच्छी पुस्तकों के बारे में जान सकें, अच्छी किताबों के बारे में जान सकें, आप अच्छी किताबों को खरीद कर पढ़ सकें। इसलिए हम इस कार्यक्रम में अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से किताबों की बात करते हैं। शनिवार को महत्वपूर्ण लेखकों से चर्चा करते हैं, रविवार को आपको बताते हैं कि इस सप्ताह हमें कौन सी पुस्तकें मिली, शुक्रवार को मैं कविताओं की चर्चा करता हूं और सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक दिन एक किताब में किसी न किसी पुस्तक के बारे में, वह पुस्तक मुझे कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय बताता हूं। पुस्तकें खरीदते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। पुस्तकें आपका मनोरंजन ही नहीं करती बल्कि आपको जानकारी परक बनाती हैं, ज्ञान परक बनाती हैं, बौद्धिक और विद्वान बनाती हैं। धन्यवाद।